सुंदर बात कही है, सिर्फ किताब के पन्ने पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जिसको पता है कि मुझे एक दिन मरना है। और आदमी ये याद में बनाए रखे कि मुझे मरना है, मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है, तो ऐसा व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। सतम जीवत मतलप्यम निद्रालय अर्धकम। इस कलयुग में व्यक्ति को 100 वर्ष की उम्र मिली है। आप सुन नहीं रहे हैं, भगवान गरुण को नारायण कहते हैं, नारायण भगवान कहते हैं यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी ठीक से जिंदगी जी ले तो 100 साल की उम्र पार करके जाएगा। 100 साल की उम्र है। एक चौपाई मेरे साथ बोलिए, तर्पण होम भगवान की जय हो। सतम जीवित मतलपम निद्रालस्तर्धकम बाल्य रोग जरा दुखै अल्पमं तदपि निष्फलम। इस श्लोक का व्याख्यान थोड़ा ठीक से सुन लें। आप टेंशन में मत बैठिए, पूर्वजों को तो विदा करना ही, आप क्यों टेंशन में बैठे? सबको जाना ही होगा, कालचक्र मैदान में रहने से तो काम चलेगा नहीं। सबको अपने अपने घर, आप सबको अपने अपने लड़का बच्चा देखने हैं, जाना तो पड़ेगा ही। ज़्यादा हम लोगों की याद आवे तो कार्तिक में वृंदावन आ जाना, गोपालाष्टमी उत्सव बहुत आनंद के साथ मनाएंगे। आप जरूर पधारिएगा 28 तारीख से लेकर के, और हम 10 नवंबर तक कथा में, 23 तारीख की रात्रि में पहुंच जाऊंगा मैं वृंदावन, अक्टूबर दूसरे दिन ही दिवाली होगी, तो आप उन दिनों में आप वृंदावन पधारिए, जरूर आइएगा। गौ माता के संग उत्सव मनाएंगे, 2 कथाएं सुनेंगे, हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत जी की कथा। और इस बात का बिल्कुल टेंशन मत करना कि रहेंगे कहाँ और भोजन कहाँ करेंगे, उसकी तो टेंशन छोड़ ही देना बिल्कुल। हाँ, बस आने का मन बना लीजिएगा, टिकटें पहले से ले लेना। भीड़ भाड़ ज़्यादा, फिर उधर कार्तिक में भारी भीड़ होती है, लेकिन आप डर मन जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कितनी भी भीड़ हो आप सब आइएगा, गौ माता के साथ उत्सव मनाएंगे। लेकिन अभी लटकाए मुंह से ना बैठिएगा, थोड़ा ठीक से बैठिए, बढ़िया से बैठिए। मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। सतम जीवत अल्पम, भगवान कहते हैं 100 वर्ष की जो उम्र है बहुत कम है। कलयुग में 100 साल की उम्र है, निद्रालेस्त दर्दकम, आधा समय उसमें से सोने में चला जाता है। 100 साल में से आदमी 7-8 घंटा तो सोने में ही निकाल देता है, इतना समय चला गया उसका। कुछ समय चला गया बाल्यावस्था में, 25 तक तो कुछ कर ही कहाँ पाता है, पहला पढ़ाई लिखाई खेल कूद, तो 25 तो ऐसे चली गई। 25 में कुछ काम धंधा पकड़ता है, तो 25 से लेकर के 60 साल तक उसमें चला गया, उसको कमाई धमाई करने में चला गया। और उसके बाद में रोग आकर के घिर लेते हैं, 80 साल में फूंक निकल जाती है। अपने लिए जिंदगी उसने कितनी जी ली है, कुछ भी नहीं जिया। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए रोग उसको आकर के घेरे उससे पहले ही संपूर्ण तीर्थ यात्रा कर ले। रोग उसको आकर के घेरे उससे पहले घर की जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए। देखो कितनी समझदारी की बात कह रहे हैं भगवान। रोग तो अंत में सबको ही प्राय घेरे ही लेते हैं, कुछ कुछ घुटने में दर्द, कुछ नहीं तो कमर में दर्द, बैठा नहीं जाता नीचे, पेट में गैस बनती है, पेट उफनता है, तो ये सब चीजें बने उससे पहले आप गृह कार्यों से मुक्त हो जाइए।
बेटी 22 वर्ष की हो गई है, चिंता होनी चाहिए। खाली चिंता से काम नहीं चलेगा, उसके लिए घर पर देखना शुरू कर दो। बेटा समझदार हो गया है, उसके लिए भी उसको काम धाम से लगाकर उसको भी अब शादी विवाह कर दो। इन सब चीजों से मुक्त होकर के अब आप हरि स्मरण हरि भजन में, आपने जवानी में बड़ी मेहनत करी है, दिन को दिन और रात को रात नहीं कही, आपको पता ही नहीं लगा है, हाल ही आप बूढ़े हो गए, चेहरे की रौनक सब चली गई, इसी सब आपाधापी में भगवान कहने लगे कि बस बस बस, अब यह मेरा बालक है, ये मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, ये मेरा बंधु बांधव है। ऐसा कहते ही कहते कालरूपी भेड़िया उठा के ले जाएगा, इसलिए अब इससे बाहर चल के आ जाए। कितना सुंदर श्लोक है, अपत्यम में कलत्रम में धनम में बांधवाश्यवे जलपंत मितमर्त्याजम हंती काल ब्रको बलात्। ये कालरूपी भेड़िया जबरदस्ती से उठा करके लेके चला जाएगा। ये बहुत कह लिया आपने कि ये मेरा है, बेटी मेरी है, बेटा मेरा है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, संपत्ति मेरी है, मकान हमारा है, दुकान हमारा है, और इतने में ही ये कालरूपी भेड़िया कब आवेगा, तो निकल ये कब आवेगा, जल्दी आना, कब उठा करके ले जावेगा पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि आज से ही वो भगवान के कार्य में लग जाए, कल नहीं आज, आज नहीं अभी इसी समय, वही विवेकशील व्यक्ति। हाँ बैगन अशोकानंद बाबा देते बोली भक्तो वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। स्वकार्य मध्य कुर्वीतः पूर्वाणि जापराणिकं नहि मृत्यु प्रतीक्षेता कृतं वाप्य तथा कृतं। विवेकशील मनुष्य को चाहिए जो कार्य आने वाले कल के दिन करना हो उसे आज ही, और आज के कार्य को अभी, और अभी के कार्य को इस समय ही कर डालिए। साधुओं ने एक दोहा लिखा और वो दोहा गरुण पुराण के श्लोक में से ही बना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलड़े होएगी फिर बौरी करेगा कब। इसका संस्कृत में श्लोक है, स्वकार्य मध्य कुर्वीतः, कल का काम आज कर, पूर्वाण्य चापराणिकम नहीं मृत्युम प्रतीक्षेता, ये मौत किसी की इंतजारता नहीं कर रही है, और जो काम तुम कल करना चाहते हो और कल नहीं देख पाओगे और आज ही दुनिया छोड़ के चले गए तो फिर बौरी करेगा कब। हमारे बीच में बलवंत पांडे जी भी आए हैं क्या, दीदी आए, अकेले आए आप, अच्छा अच्छा आप आए, बढ़िया। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी बहोर करेगा कब, कल ही चले गए तो क्या होगा। इसलिए जो काम कल के ऊपर टाल रहे हो उसको आज ही कर दीजिए। दरा दर्शित पंधानम प्रचंड व्याधि सैनिकम मृत्यु शत्रु मधिष्टोसी तातारम किम न पश्यसी। वृद्धावस्था मार्गदर्शन कराती है, बुढ़ापा, प्रचंड रोग ही जिसके सैनिक है, ये वृद्धावस्था के सैनिक कौन है, रोग। ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के सम्मुख हम और आप सब खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमें और आपको कौन बचा सकता है। बुढ़ापे के सैनिक हैं, वर्णन किया गया है, कहा गया है कि वृद्धा अवस्था के रोग सैनिक हैं, इनसे हमें और आपको कौन बचा सकता है, कौन है हमारा रक्षक, सिर्फ और सिर्फ जिसका नाम है परमेश्वर। ईश्वर त्रातारम किम न पश्यति, भैया तो ईश्वर को क्यों नहीं देखता, भगवान के अलावा हमें और आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए संपूर्ण गरुण पुराण की कथा और ये 16 दिन का अनुष्ठान कहना चाहता है, हम भगवान के थे, भगवान के हैं, और हम भगवान के ही रहें तो इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में कल्याण है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, हाथ के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु।
भगवान को प्रणाम कहिए कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगे, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए भगवान, आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना। भगवान इतने सुंदर हैं, सुबह जागते जागते उन्हीं को देखो। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा था कितने सुंदर हैं कि कोटि मनोज निहारे। जब किसी को कोई पुरुष सुंदर लगे, किसी स्त्री को कोई पुरुष सुंदर लगे और उसकी तरफ आकर्षण हो, और किसी पुरुष को कोई स्त्री सुंदर लगे, तो आंख बंद करके जरूर कहे कि स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं, तो इनको बनाने वाला हमारा भगवान कितना सुंदर है, उसको याद कीजिए, संसार के कुकर्मों से, अपराधों से बच जाएंगे। किसी ने पूछा है, लिखा है कि हवन यज्ञ हो गया है कि होना है, आज सुबह से यज्ञ ही तो चल रहा था और बहुत जबरदस्त। कैमरे की टीम मेरे संग उधर गई थी, बहुत अद्भुत। आप में से कुछ लोग बैठे हवन में, हाथ उठाइए, इनके हाथ देख लो, हवन हुआ है, ये हाथ उठा रहे हैं। अब ये टीवी पर सब कुछ दिखाना हो नहीं पाता है, और आपको दिखाना भी क्या है, आप तो बस मेरी बात का विश्वास करते रहिएगा। जो यहां से बोल दिया है वह पूरा। यजमान बने थे, उनके ब्राह्मणों को वस्त्र दिए गए, ब्राह्मणों के अलावा इतने वस्त्रों का वितरण है, अभी तो हमारे पास में बहुत बहुत बड़े गठरा बंधे हुए रखे हैं, पूरा वृंदावन में वितरित हो रहा है, बांटा जा रहा है। और मैं आपको कहूंगा कि यह सौभाग्य जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वायु पुराण में श्राद्धों में वस्त्रदान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया, इसलिए इसकी पूर्ति की गई है, इसलिए इसको पूरा किया गया। जो जो उसमें लिखा, देखो उसमें दही दूध का लिखा था, आज सुबह ही सुबह दूध मंगा करके, दही मंगा करके, वह भी पूरा कर दिया टीवी पर, ये मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले। अब सीधे दूधिया वाला तो नहीं मिला, लेकिन पॉलीथिन का तो मिल ही गया है। हमने कहा जब इतना सब कुछ हो गया तो इससे भी काय के लिए फिर चूकें, इससे काय को वंचित रहें। बड़ी इसमें महिमा, दूध और दही की महिमा का वर्णन किया गया। हमने कहा चलते चलते तो इससे भी काय को चूक जाएं, वस्त्र की बहुत बड़ी महिमा इसमें थी ही। आपकी पोथी बैठी है उनका तो वस्त्रदान उसमें आ ही गया है, जिनकी पोथी नहीं बैठी है और जो आज के इस अनुष्ठान से जुड़े हैं, जो रात्रि तक यहाँ पर भंडारा चलने वाला, यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो इसमें हवन यज्ञ पूर्णावती गीता पाठ तर्पण वगैरह सब, तो ये पूरी सहयोग राशि एक 2100 रुपया 2100 रुपये के सहयोग में आज का कार्यक्रम पूरा रखा है। और आपको बढ़िया लग रहा है कि भंडारा अच्छा चल रहा है, एक बार देख लीजिए हमारी लाइव कथा में जितनी वीडियो हैं वो सब लाइव ही दिखती है, नहीं फिर लाइव का मतलब कह रहा है ये नहीं कि 6 महीना पहले की दिखा दो लाइव, और इसी में मेरी श्रद्धा भी बढ़ जाता है जब ऊपर लाइव लिखा है कार्यक्रम। कार्यक्रम लाइव है तो सेवा भी पूरी लाइव है, ये आप देख रहे हैं ये आज की ही है, ये टोटली तस्वीरें आज की हैं, पूरा भंडारा ये अभी का है। अभी भी जिन लोगों ने अभी आरती के बाद तो सबका भोजन होगा ही, और जो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है वो अभी जा करके प्रसाद ले लें। भगवान गदाधर आपकी बहुत बात मानते हैं, भगवान को प्रार्थना करके इतना कह दो कि प्रभु अगले साल भी बुला लें, अगली बार भी बुला लें, उसकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव हो नहीं सकता है। तो मैं एक बार पूरे देश को निवेदन करना चाहूँगा, अकेले खाली श्राद्ध में 1100 रुपये का सहयोग, छोटी सी सहयोग राशि रखी गई, और आज का समूचा बिल्कुल सुबह से लेकर के और रात्रि तक शाम तक चलने वाला, जिसमें कपड़ा लत्ता वितरण ये सब कुछ, दूध दही मठा छाछ सब कुछ उसमें आ जाएगा, उसमें सहयोग राशि सिर्फ 2100 रुपये की सहयोग राशि करके और यह कार्यक्रम संपन्न कर ले। वस्त्रों में मेरी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए पूरे साल भर कपड़ा बढ़ता रहता है, 700 रुपया लेते हैं, जिसमें ब्राह्मण के सब कपड़े उसमें आ जाते हैं, तो इसमें आप अवश्य में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आपने यदि कलश भरा है पितरों का तो शाम तक आज उसको किसी नदी में प्रवाहित कर देना, हमने भी भरा है आज उसको प्रवाहित कर देंगे। और जिन्होंने पानी वानी दिया है, कल मैं जनेऊ बदलूंगा, क्योंकि श्राद्ध के बाद में जनेऊ बदला जाता है, तो
आप कल पूजा में बैठें उससे पहले बाल वगैरह जो उतरवा लें, क्योंकि फिर अनुष्ठान शुरू हो जाएगा नवरात्रा का। मैंने वीडियो में डाला है बाल आज ना उतरवाएं अमावस्या को, मैंने स्पेशल वीडियो में बात डाली है, तो उसको कल, भले ही कल से नवरात्रा शुरू हो रही है, आप पूजा में बैठेंगे उससे पहले, कल दिन क्या है, कल सोमवार होना चाहिए, हाँ उससे पहले, और किसी कारणवश आज आप विसर्जन नहीं कर पाते हैं श्राद्ध कलश का, तो कल पूजा आरंभ होने से पहले और उस कलश को नदी में प्रवाहित कर दीजिए, नदी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे आप रख दीजिए उसको, इस कलश को घर में मत रखना, मैंने पूर्व में भी बोला है, ये समर्पित करने के लिए है उसको, जो भी कोई कपड़ा लत्ता आपने रखा है, हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया है, आप गया जी से लौट करके जाते हैं तो यहाँ कपड़ा भी किसी को दे दो या किसी पेड़ के ऊपर रख दो, इससे बीमारी नहीं होती, आगे के लिए रोक के खटके मिट जाते हैं। गया जी से लोग लौट करके जाते हैं तो जो वस्त्र, इसलिए बड़े होशियार हम बहुत छोटे छोटे होते थे, जब होली खेलते तो 3 साल पुरानी कमीज निकालते होली खेलने के लिए, संभाल के रख देते थे फटी फटाई, ये काय के लिए, ये होली खेलने के लिए, उतारनी पड़े फेंकनी पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी अटैची में जितने कपड़े लेके आए हैं सबको ही फेंक फांक के चले जाए, ऐसा नहीं, यहाँ से जो भी वस्त्र पहन के, तो इसलिए 10,000 वाली साड़ी पहन के मन जाना, ठीक है, यहाँ से जो भी वस्त्र आप, उसको ऐसा विधान है कि उसको त्याजित किया जाता है, करोगे भी नहीं तो कोई ऐसा दोष नहीं है। हाँ फायदा ये है कि गया जी से जिस वस्त्र को पहन करके आप जा रहे हैं, जा करके उसको त्याजित कर देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको पहन के घर ना घुस पाए, घर जा करके नहा करके दूसरा बदल लीजिए, पहन लीजिए और उसको त्याजित कर दीजिए, नदी में डाल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, पेड़ पर बांध दीजिए, इससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं आपके जीवन में आएगा, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। अब ऐसा नहीं आप पहन के चले गए तो जी आप हता गई, अब ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, तो यहाँ कोई डराने वाली बात नहीं है। हाँ ये बिल्कुल है, यदि यहाँ से पहन के जिस कपड़े को आप गए हैं, अब मेरे पास तो गिनी गिनाई धोती हैं, अब मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो जरूरत पड़ेगी, हाँ 5-4 धोती हैं, कथाएं अभी कहनी है, तो अब मैं हर गया जी में जब आऊँगा तब एक एक धोती छोड़ूंगा तो फिर कहाँ से इतनी धोतियाँ आएंगी, तो मैं तो नहीं बदल पाऊंगा, आप बदल लेना, मैं इसलिए भी नहीं बदलूंगा, भगवान की कृपा से कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और हाँ आप बदल सकें तो आप बिल्कुल बदल लीजिएगा। अब इन कपड़ों को कोई लेता नहीं है, नहीं तो उसमें कुछ और भी वर्णन है उसमें किन को आप दे सकते हैं, लेकिन जिनको मैं देने के लिए कहूँगा तो उनको बड़ा बुरा लग जाए, अच्छा जी हम इतने छोटे आदमी हैं कि पहना पहना है कपड़ा हमें देंगे, वो बातें पुरानी थी, तब की बातें कुछ अलग थी, लेकिन अब तो बोल भी आप समझ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं वही बोल रहा हूँ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो यह ऐसा अद्भुत वर्णन किया गया है, बड़ी आनंद की बात कही गई है, तो थोड़ी अभी यह कथा मैं आगे के लिए बढ़ा दूं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हम तो गए थे तब अपना कपड़ा कमरे में ही छोड़ के आ गए, अच्छा किया आपने, बढ़िया किया, लेकिन उसका नियम यह है कि गया जी की सीमा से निकलने के बाद कपड़ा बदला जाता है, उतारा जाए गया जी की सीमा से निकल जाए तब, फिर तब गया जी की, श्री गया जी की सीमा से बाहर निकल करके, और उसको आप अपने घर जा करके भी बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसा विधान है कि यहाँ से जाने के बाद एक तीर्थ में जाने की जरूरत होती है, जो मैं पहले बोला हूँगा, एक तीर्थ में, और वहाँ पर स्नान होता है, दूसरा कपड़ा पहना जाता है, उसके बाद उस मंदिर में दर्शन किया जाता है, आराम से फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जो भी आपके आसपास कोई तीर्थ हो वहाँ चले जाइए, तीर्थ नहीं है तो गाँव में ही कोई मंदिर है आप वहाँ चले जाइए, वहाँ नहा धो के वस्त्र बदल करके उस कपड़े को वहाँ छोड़ दीजिएगा। आपको पता है एक फोरिया का पेड़ होता है, अब आप तो पता नहीं समझेंगे नहीं, फोए का पेड़ होता है, छोटे छोटे बच्चों को जब फोड़ा फुंसी होते और वो दवाई से भी ठीक नहीं होते तो उन बच्चों के वो कपड़े हैं वो फोरिया के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं और उससे उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। गया जी का भी जो वस्त्र है उसको आप कहीं छोड़ देते हैं, उसको इससे
100% आरोग्यता प्राप्त होती है। बातें पुरानी हो गई हैं, पहले भी बोली होंगी, भूल गए होंगे तो दोबारा से आपको याद करा दिया गया। और एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि हम और आप यहाँ पहुँचे हैं, सच मानिए, भगवान की कृपा से संभव हुआ है। परमात्मा की कृपा के बिना यह संभव नहीं था। और एक बार नहीं, 1000 बार कहूँगा, किसी पंडित और पुजारी के कहने में और बहकावे में बिल्कुल भी मत आ जाना। ना कोई पितृ दोष रहा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहा। आप श्री गयाजी होकर के जा रहे हैं, 1000% पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। बोलो भक्तुवत्सल भगवान की जय हो। कोटि मनोज निहारे, कोटि मनोज लजावर निहारे, तुमसे कहे हो को आहे तुम्हारे। कोटि मनोज लजावर निहारे, तुमकी कहे हो को आहे तुम्हारे। कोटि मनोज लजावर निहारे, तुमकी कहे हो को आहे तुम्हारे। कोटि मनोज लजावर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप में कोई इंदौर से भी आए हैं क्या? मैसेज लिख रहे हैं यूट्यूब पर। अच्छा, आप लोग आए। श्रीमद् भागवत की कथाएं कल आप सुन रहे थे। भगवान के 16108 विवाह अद्भुत हुए, बड़े विवाह किए भगवान ने। रुक्मिणी माता के साथ दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ। ये विवाह बड़ा अद्भुत था। एक रीच की बेटी के साथ विवाह हुआ। इधर देखिए, आप इधर क्यों नहीं देखते? इधर देखें, भगवान के ऊपर एक झूठा दोष लगा दिया, मड़ी चोरी का। भगवान वन में गए, गुफा में घुस गए, एक रीच के साथ घमासान युद्ध हुआ, उसकी हड्डी हड्डी ढीली कर दी। उसने पूछा, आप कौन है? भगवान ने कहा कि मैं त्रेता का राम हूं। चरणों में गिर पड़ा, कहा, भगवान मैं जाम बनता हूं, बहुत मराई करी आपने, ठुकाई करी, मैं खोलिए। भगवान बोले, रावण के उद्धार के बाद चले तो तुमने कहा था दो दो हाथ कर लो। मैंने कहा कि स्वामी सेवक का युद्ध हो ये ठीक नहीं है। नौता दिया था कि द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, फिर युद्ध होगा। अब और तो नहीं चाहिए लड़ाई। चरण पकड़ लिए जामवंत ने और अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। रीच की बेटी है, उसे लेकर के भगवान बाहर आए। द्वारका के लोग चले गए थे, पत्नी को लेकर के नगर में प्रवेश किया। हल्ला हो गया, कन्हैया को दूसरा विवाह। जो कोई नहीं कर सकता वो कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण करते हैं, और जो कृष्ण करते हैं उसे कोई नहीं कर सकता। दुलाह और दुल्हन चबूतरे पर बिठा दी। आज आपका मन नहीं लग रहा है कथा में, उधर मन देखो, टीवी मेरी तरफ देखो, वो पीछे वाले लोगों के लिए, आप आगे वाले आगे ही देखो। तो चबूतरे पर पहले कुर्सी वर्सियां कहाँ होती थी? एक पीढ़ी होती थी, पीढ़ी जानते हैं? हाँ जानते हैं, पीढ़ी। खेस बिछा देते थे चबूतरे पर, नई बहू आई है, दुल्हा दुल्हन वहां बिठा दिए। वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा, मत्स्य पुराण में ऐसा कहा, यदि दोपहर में भी बहू नगर में पहुंच गई है तो घर में प्रवेश तब करे जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य डूब जाए, उसके बाद द्वार लिए जाते हैं, उसके बाद ही बहू घर में प्रवेश करती है। और किसी का बेटा फौजी है, मिलिट्री में, और वो वहां से आता है तो इसको रात में घर में प्रवेश मत होने दो। उसे कहो बेटा कहीं दूसरी जगह रुक जा, सुबह आना घर में।
मिलिट्री का जवान सूर्य अस्त से होने से पहले घर में घुसता है और नई बहू घर में आई है वो सूर्य अस्त के बाद घर में प्रवेश करती है, आरती उतारी जाती है। बहू के आगमन पर आरती उतारी है और फौजी बेटा के नौकरी के जाते समय आरती उतारी है, ऐसा वर्णन है। बहू के माथे पर टपकी गोल बिंदी लगाइए, वो आपका बेटा या पति नौकरी के लिए जा रहा है, अंगूठे के द्वारा खड़ा तिलक लगाइए, इससे उसको शौर्य प्राप्त होता है। तो नई बहू आई थी, चबूतरे पर बैठ गई, और ये तो आपको पता ही है कि भारी भीड़ होती है जब नई बहू का मुंह देखा जाता है, ये प्रथा है कि नहीं? पहले तो है, तो आजकल बहुएं तो जींस पहन के आती हैं तो मुंह कैसे, मुंह तो पहले से ही दिखता रहता होता है। पहले की ऐसी बड़ी रीति थी, लंबा घूंघट होता था, हम तो बहू भी होते तो किसी का घर बिगड़ने नहीं देते। तुम कैमरा काय को डोते डोते घूम रहे हो भाई, हैं? हैं? इनको थैले में रख दो फिर। ये पोज रोज रोज मिल जाएगा, आगे आ जा भाई, हैं? इतनी सुंदर तेरी भाभी भी नहीं होगी। एक बार मैं बैठा बैठा सोच रहा था, ये बहनों की जब शादी होती है और ये ससुराल जाती हैं, इनके मुख की कीमत देखिए, इनका मुंह देखने के लिए रुपया खर्च करने पड़ते हैं, मुंह दिखलाई देनी पड़ती है। बिहार में होता है ऐसा? हाँ, पैसा देने पड़ते हैं, सोने चांदी की चीज़ें देनी पड़ती हैं, और वो भी उस समय घूंघट इतना लंबा कर लेती है और कस के बैठ जाती है। तो मैं बैठा एक बार सोच रहा था जब ग्रंथ पढ़ा कि माताओं के बहनों के मुख की इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको पहली बार देखा जाता है तो नोट खर्च किए जाते हैं, पैसा खर्च करके जो मुंह देखा जाता है, दो तीन साल के बाद उस मुंह की स्थिति देखिए, राम 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 राम, क्या बीतती है उस मुंह के ऊपर। तो बड़ा अच्छा लगता है, मान मर्यादाएं, सिर के ऊपर पल्लू, कितनी अच्छी लग रही हैं वो माताएं जिनके सिर ढके हुए हैं। तुम्हारे बाल टूट टूट करके अन्न में मिलते हैं, तभी तो कैंसर आगे बढ़ रहा है। यदि ये बाल टूटकर भोजन के माध्यम से पेट में चला गया, कैंसर पनप जाएगा, देह में गांठें हो जाएंगी। इसलिए पूजा करते समय और भोजन बनाते समय जूड़ा बंधा हुआ होना चाहिए। पहले बाजार में फीता मिलते थे, चुटीला मिलते थे, विवाह से पहले बेटियां दो दो चुटीला करती थीं, विवाह के बाद में माताएं पीठ के पीछे तक एक चोटी इतनी लंबी होती थी। हाँ, तो चंडीगढ़ के चौराहे पर पता ही नहीं लगता कि बेटा जा रहा है कि बेटी जा रही है, पता ही नहीं लगता। मोहाली के स्टेडियम में मैच था, कोई गांव का बंदा चला गया मैच देखने के लिए, एक लगाया उसने बड़ी जोर से सिक्सर सो बाल बाउंड्री के पीछे, उसने कहा क्या जवान है, क्या लगाया बाहर बेटा सपूत, क्या छक्का लगाया। पास में किसी ने कहा अरे बेटा नहीं ये बेटी है, तो गांव के बूढ़े ने कहा तो तुम कैसे जानते हो, क्या तुम इसके पापा हो? तो उसने कहा हम इसके पापा नहीं, हम इसकी माता जी हैं। ये तो पहनावा है, पता ही नहीं लगता कि पापा है कि मम्मी है। बूढ़ी डुकरिया पोपली जींस पहन करके चलती है, अपनी भारतीय पोशाक कितनी मलूक लगती है, कितनी बढ़िया। और बहुएं तो तभी अच्छी लगती हैं अपने भारतीय पहनावे में, जो जींस ही पहन के चल रही है उसको मुख क्या देखा जाएगा, उसको तो मुँह पूरी दुनिया ही देख रही है। ये मान ये मर्यादाएं, आहा हा बड़ी कमाल की बात थी। और उसने तो हमारी माताओं को दो चीज़ों का भारी शौक है, और उस शौक के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। एक तो गांव में दूल्हा आया हो और वो घोड़े पर बैठा है, छत पर चढ़ जाएगी, दूध भले ही उफन रहा हो, कोई मतलब नहीं है उसे, दूल्हा को देखने को जाएगी। चार छः दस माताएँ देखेंगी गली में दूल्हा जा रहा है, और फिर वो बगल वाली कहेगी, रामवती जी कहेगी,
रामकली दीदी से, वो फूला दीदी कैसा है, तो वो कहेगी ठीक है, लेकिन मनोरमा दीदी का जो सगो आयो ना बैस होना है, वैसे तो ठीक है लेकिन पिताजी ने इतना ढूंढा वो पास नहीं कर पाया। और माताएं जिसको पास कर दें उसको दुनिया में कोई फैले ही नहीं कर सकता, इतनी नॉलेज भगवान ने आपको दी। और एक आपके पास सबसे बड़ी योग्यता विशेषता वो ये है, आप नई बहू का मुंह देखती हैं तो बटुआ में से कुछ खर्च जरूर करती हैं, यह होना चाहिए। नई बहू को जब आप देते हैं तो इससे आपके और उसके घर की बरकत होती है और गरीबी नहीं आती, और साक्षात वो लक्ष्मी रूप बनती है, उसका आदर किया जाता है, हे देवी तू लक्ष्मी है। और मैं तो निवेदन करूंगा जो नई बहुओं को, बहू पहली बार आई है उसको देते हैं, उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती। किसी भी बेटी का मुख, बहू का मुख बिना दिए मत देखिए, ऐसी हमारी भारतीय परंपरा है। उसको नाभि के नीचे चांदी के दिए जाते हैं आभूषण, और कमर के ऊपर के हैं वो सोने के दिए जाते हैं, स्वर्ण के दिए जाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सो देवी ने घूंघट इतना कसके पकड़ लिया, जामवंती ने इसी भीड़ में माता रुक्मिणी माता आ गई, वो खोले घूंघट यूं करे, यूं माता को जैसे कर लेती है जो हाथ से ऐसे करके कुछ, लेकिन वो घूंघट नहीं खोले। रुक्मिणी मैया ने कहा कि हम तुम्हारी बड़ी जीजी हैं, कछु समय पहले हमार ब्याह भयो है तो हमने तो अपना मुंह दिखायो, मुंह खोल दो, लेकिन घूंघट ना ही खोलो गयो। कृष्ण पास में खड़े ही थे, रुक्मिणी उनकी ज्येष्ठ बड़ी वाली पत्नी है, तो रुक्मिणी ने भगवान को पूछा कि ये घूंघट क्यों नहीं खोलती, तो भगवान ने अचक से मुंह में से कह दिया सुंदर ज्यादा है। अच्छा, इसको अपनी सुंदरता का इतना अभिमान है, तो मेरा श्राप है इसकी जो शकल है वो मिट जाए, बस ये हमारी जैसी ही बन करके रह जाए। तो अब रीछड़ी का मुंह तो बिल्कुल गायब, और जामवंती बिल्कुल ऐसी लग रही है कि रुक्मिणी मैया की छोटी बहन है। ये हैं कृष्ण, ये कृष्ण ही कर सकते हैं, और किसी को ये करने की ताकत नहीं है, करने की शक्ति नहीं है। भगवान ने जामवंती को बड़ा सुंदर बना दिया, हल्ला हो गया नगर में, विवाह संपन्न हुआ सत्यभामा, और 8 विवाह, 16,100 विवाह। और एक बात और मैं बोलूं, जिनके बाल छोटे छोटे हैं उनके सिर के ऊपर घूंघट अच्छा नहीं लगता, जिनकी चोटी लंबी है, बड़े बड़े बाल हैं, उनके सिर के ऊपर घूंघट भी बहुत मलूक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमने संस्कृत में केस की महिमा पढ़ी है, व्याख्या पढ़ी है, का प्लस ईस बराबर केस, का माने ब्रह्मा, ईस माने शिव, जिस नारी के केसों में शंकर और ब्रह्मा जी दोनों बैठे हैं उसको केस कहते हैं। इसका आदर होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए। जैसे साधु बालों को ज़्यादा नहीं कटवाता, तो ये सतियाँ भी अपनी चोटी को लंबा करके बताती हैं, इनका आदर होना चाहिए। पहले मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ तक आ जाते थे, लोगों ने पूछा आपके बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं, मैंने कहा इन माताओं ने कटवाना शुरू कर दिया, बेचारों को कहीं तो सम्मान मिले, छोटी तो अच्छी बड़ी सी राखी, अच्छा लगता है बड़े, वो तो जो ही वो आप करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में सबरी माता की चोटी इतनी लंबी थी कि रास्ता अपने आप साफ होता था, इसलिए तो राम जी चल के आए। लेकिन हैप्पी कट वाली भी स्त्री थी उसमें, दंडकारण्य वन में ऐसी थी बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह, यहाँ ऐसे यूँ, क्या नाम था उसका, सूर्पनखा, लेकिन आहा बहा मेरी माता सबरी, क्या कहना है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की जय। ऐसा अपना भारत है जिसको माँ से जोड़ा गया है, कोई जापान माता या इंडोनेशिया माता या मलेशिया माता, कोई कुछ नहीं, लेकिन विदेशी लोग भी कहते हैं भारत माता की जय। हमारे देश को माँ से जोड़ा गया है, इसलिए राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम बन गया काम। यहां नारी को हमेशा हमेशा से सम्मान मिला है। तो इस प्रकार से भगवान के विवाह संपन्न हो गए, सुंदर हो गई वो, कौन सुंदर हो गई, जामवंती, क्योंकि रुक्मिणी माता को देख लिया, रुक्मिणी भक्ति है, और जो कोई भक्ति के संपर्क में आ जाता है कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है,
इसलिए भक्ति के सानिध्य में रहिए। सुंदर कौन है? जिसके हृदय में भगवान का नाम है, जो चरित्रवान है, वही तो सुंदर है। गोस्वामी जी ने लिखा था, सोई सुंदर सोही शुभ के शरीर, सोई सुंदर सोई शुभ के शरीर, नर तनु पाहि भजन गुनीरा, सोई सुंदर सोई शुभ के शरीरा, सोई पावन सोई शुभ के शरीरा, नर तन पाई भजन गुनीरा, सोई सुंदर सोई शुभ के शरीरा, सोई पावन सोई शुभ के शरीरा, नर तन पाई भजन गुनीरा, नर तन पाई भजन गुनीरा, सोई सुंदर सोई शुभ के शरीरा, सोई पावन सोई शुभ के शरीरा, नर तन पाई भजन गुनीरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंख आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत जी में एक ऐसे भक्त की कथा है, जिस कथा की वजह से भगवान को दीनों का नाथ, गरीबों का मसीहा कहा गया है। ऐसी कथा है भागवत जी में, ब्राह्मण देवता श्री सुदामा जी की। और आज हम अमावस्या के दिन ऐसा चरित्र सुन रहे हैं जिससे पुरखे अवश्य में तृप्त होंगे। भक्त सुदामा, पूरी करुणा से भरी हुई कथा है। कृष्णासी सखा कश्यत ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, परमात्मा का मित्र है, साधारण सी बात नहीं है, जो ईश्वर का मित्र है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, भगवान का भजन ही जिसका धन है, जिसकी संपत्ति है। विरक्त, इंद्रियों में लोलुपता नहीं, बहुत उदार है। प्रशांतात्मा, क्रोध को काम को लोभ को जीत लिया है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है, क्रोध आता नहीं है उन्हें। पतिव्रता, जिनकी पत्नी बहुत पतिव्रता है, हर स्त्री पुरुष को जीवन में सुदामा चरित्र जरूर पढ़ लेना और सुन लेना चाहिए, आनंद हो जाएगा। पतिव्रताम पतिम प्राह मिलायता बदनेन सा, दरिद्रासी दमाना सा भे समानाभिगम्य च। गरीबी है, नरोत्तम दास जी ने तो बहुत लिखा है, कुछ शायद धरती पर इतनी गरीबी किसी के जीवन में ना आई हो जो सुदामा जी ने जिसका एहसास किया, लेकिन इतने पर भी कभी ईश्वर को उन्होंने उलाना नहीं दिया कि प्रभु आपने ये विपन्नता मुझे क्यों दे दी, यह गरीबी क्यों दे दी। गोविंद दामोदर स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं, भगवान द्वारकाधीश के परम भक्त हैं, कृष्ण के साथ पढ़े लिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्रता है। यह पूरा प्रसंग कहता है कि ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध बना लो, जो भी बढ़िया लगे सो बना लो, परमात्मा के साथ कोई न कोई संबंध। एक दिन की बात थी, घर के चार बच्चे थे छोटे छोटे, 28 दिन से जिव्या पर एक टुकड़ा अन्न का नहीं पहुंचा। बच्चे कहते, अम्मा भूख लगी है कुछ खाने के लिए, चूल्हे पर हंडिया रख दिए, कहा खिचड़ी पकने वाली है। एक बालक छोटा भूख के मारे आंख में अंधेरा हुआ और चक्कर खा के नीचे गिर गया। उस समय बिलख पड़ी सुशीला, रोती हुई अपने पति के पास आई, सैवम भार्या विप्रो बहुसा पार्थ तो मृदु अहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उसने आकर के हाथ जोड़ करके कहा, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा आपसे और कभी मांगूंगी भी नहीं, आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप श्री द्वारका चले जाएं। द्वारका की बात कही,
पहले तो सुदामा सोचने लगे, फिर विचार किया हम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? रुपया पैसा धन संपदा मिल जाए, ये जीवन का लाभ नहीं है। मकान दुकान बच्चे जायदाद मिल गए, ये जीवन का लाभ नहीं है। भागवत जी कहती है अहम ही परमो लाभ है। जीवन का यदि सबसे बड़ा कोई लाभ है तो उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान का दर्शन ही जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है। परमात्मा का बन जाना यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। पता नहीं दुनिया में किस किस के बन करके रहते हैं, और सच में जिसका बनना चाहिए और हम उसके नहीं बन पाते, उसके बनिए जिसका बनने की आवश्यकता है। उत्तम श्लोक नाम भगवान का। उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? महात्मा लोग जिसकी बड़ाई करते हैं। तो परमात्मा के गुणानुवादों का तो वर्णन साधु लोग करते हैं। आज इस कथा के समापन पर मैं आप सबको आग्रहपूर्वक मैं कहूँ, दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ, यह मेरा निवेदन है, प्रातः बिस्तरा आप छोड़ते हैं। दोनों यूट्यूब पर आवाज बहुत कम है, सत्संग पे बहुत ज्यादा कम है। दोनों हाथ जोड़कर और ये निवेदन करके मैं कह रहा हूं कि एक भी दिन ऐसा ना निकले ईश्वर का स्मरण ना करें। कल मुझे भोजन परोसते समय एक बहन अपनी माताजी के साथ में, वो टाइप कंप्यूटर से किया हुआ, हमने 29 महीने में जितना जो बोला, गणेश जी के नाम, अर्जुन के नाम, हनुमान जी के नाम, गरुण जी के नाम, भगवान के 24 अवतारों के नाम, 32 नाम माताजी के, सूर्य भगवान के 108 नाम, सप्त ऋषियों के नाम, पता नहीं 9 बजे उसको जाना था, बहन को चली गई होगी, बैठी है क्या? मन को बड़ी खुशी हुई, मन को बड़ा आनंद हुआ, और ऐसा लगता है 29 महीने में, अनवरत 29 महीना चल रहा है कथा को, 28 वर्ष में वो नहीं मिला जो 28 महीने में मिल गया। आप इतने बढ़िया बढ़िया कथा तो हम यहां पहले भी कहने को आते रहे, 9 साल पहले से आते रहे, लेकिन यह कोरोना काल की सफलता शब्दों में बयानित नहीं की जा सकती। वो तो लोग यहाँ पिंड तर्पण के लिए आते हैं, सुबह का टाइम उनका सब पूजा पाठ में लग जाता है, नहीं तो पूरा कालचक्र मैदान में बैठने को जगह ना मिले। जिनको कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई और आज विष्णु पद पदी पर हर तीसरा आदमी ये कह रहा था, देखो कौशिक बाबा जा रहे हैं, देखो कौशिक बाबा जा रहे हैं। पुलिस वाला एक बड़ा हैरान हो रहा था, लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कहीं किसी दूसरे धर्म का होगा। अंदर जा रहे थे तो उसने रोक दिया। मैंने कहा भैया मुझे पता ही है कि तू क्यों रोक रहा है, और तू रोकेगा तो भी भगवान के दर्शन तो तू ये सोचे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों को देखकर, पुलिस का बड़ा था अधिकारी, सनातनी नहीं था वो, लेकिन इतने में एक कोई महिला पुलिस वहां चल के आई, उसने कहा महाराज जी आइए, कौन रोकता है, आइए, और हमें लेकर के अंदर चली गई। और वो देखता रह गया लुक्की जैसा मुंह लेकर, अब ले गए अंदर। जब अंदर प्रवेश किया, क्या आदर मिला, क्या सम्मान मिला। मैंने तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके, मेरी तो आंख में आंसू आ गए, आंखें डब डब आ गई। मैंने कहा हे प्रभु, हम जैसे तो कितने लोग हैं इस दुनिया में, यह आदर यह मान यह सम्मान तेरा है प्रभु, तेरा है, तेरी बड़ी कृपा। हर तीसरा आदमी बोल, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर के साथ जुड़ जाओगे तो पूरी दुनिया अपनी होगी, सब अपना होगा। भगवान के साथ जुड़ने में बहुत आनंद है। हम और आप जीरो हैं, परमात्मा एक है। एक चेक में जीरो 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 भर के रख दो और किसी को दे दो, बैंक में जाओ तो धक्का दे के कोई बार करता है पगला आ गया है कहीं से, कागज का पैसा भी नहीं मिलेगा, खाली जीरो 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 भर दिया तो। और जीरो के आगे यदि एक अंक लिखा हुआ है तो हर जीरो अपने आप में 10 गुना है, हर जीरो 10 गुना है। जीरो की कैसी वैल्यू हो जाती है एक अंक लिखते ही। उसी प्रकार से हम और आप शून्य हैं, हम एक से जुड़े हुए हैं तो हम 10 गुना नहीं, फिर हम कई गुना हो जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए परमात्मा से जुड़ करके रहे हैं हम, ईश्वर के साथ जुड़ने में ही सर्वोच्च आनंद है, नहीं तो जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है। मैं कथा में आगे की तरफ बढ़ूंगा, और उससे पहले मैं एक संकल्प
कराऊंगा आपसे, जो कि मैं हर वर्ष पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्धों में कालचक्र मैदान में कराता हूं। और ये सब कोई बनावटी बात नहीं है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में गौशालाएं चलती होंगी, गाय को माना जाना जाता होगा। कल सबसे पहले तो आपने जो सहयोग किया है गौ माता के चद्दर सेट के लिए, मेरी व्यासपीठ से बहुत तालियां हैं। श्री रतनलाल जी जाजू, आपने 17,500 रुपए की 10 चद्दरों का सेव किया है, सूरत में विराजते हैं, तालियों के साथ आदर कीजिए। पानी के प्लांट में 51,000 रुपए का सेव किया है, फिर ताली बजाइए। और 11,000 रुपए का सहयोग आपने किया है डस्ट मशीन के लिए, दोनों हाथ उठा करके तालियां इन भक्तों के लिए। यहां से आचार्य जी ने नाम बोले हैं, मेरे मोबाइल में आपके नाम आते, देखो जिनका श्राद्ध है उनके तो नाम यहां से नहीं बोले गए हैं, और जिन्होंने गौ माता को या कैंसर हॉस्पिटल को सहयोग किया है यहां से उनका नामांकन हुआ, और जिन्होंने यहां से नाम उच्चारण किया, और आपने बैंक में जमा किया है, ट्रस्ट के खाते हैं, गौ माता के खाते हैं, 100% वो भगवान के ही काम में लग गया, तो अब नाम का करोगे भी क्या। वैसे भी गुप्त दान महाकल्याण, कल कोई श्रीमान जी कह रहे थे सबका नाम बुलाए, और हमने भी तो श्राद्ध के लिए पैसा दिया था, हमारा नाम नहीं बोला, हमने कहा यहाँ से जो गौ माता कैंसर हॉस्पिटल के लिए सहयोग हुआ है वही नाम बोले गए हैं, और नाम छूट भी जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्या करेंगे नाम का। ये बोल दिए गए हैं नाम, वो तो हमारे ओट में है, जो नाम नहीं बोले हैं वो सब नारायण के पेट में, वो बहुत समझदार है, वो बड़ा होशियार है, उसको पता है कि जिसने एक टका भी सहयोग परमार्थ में किया है उसका अच्छा करना ये जवाबदारी मेरी है, उसको पता है, क्योंकि वो बिना कान के सुनता है, वो बिना जीभ के बोलता है, इसलिए नाम धाम के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। तो मैं आचार्य जी आए हम जल्दी बोला संकल्प होना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है कल जिन्होंने टीन चद्दर के लिए सहयोग किया है। चद्दर तो हमें जरूरत है 200 चद्दरों की, लेकिन लगभग हमारे पास 72-73 चद्दरों का कल सहयोग आया है, हो सकता है लास्ट लोग सब नहीं सुन पाए होंगे। एक टेम्परेरी अस्पताल जो वर्तमान समय में जो बीमारी फैली है उसके लिए ये बना रहे हैं, 2-1 दिन में पूरा हो जाएगा। आपसे भी बने जितने भी भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, एक चद्दर के लिए सिर्फ 1750 रुपये का सहयोग है, जितना भी आप कर सकते हैं उसमें आप जरूर कीजिए। दूसरी बात, आज के इस भंडारे से रात्रि तक अभी ब्राह्मण जाएंगे, यहाँ से 4-5 बजे निकलेंगे, रात्रि का भी भोजन लेके जाएंगे, बैठ करके जीमेंगे, आहा आशीर्वाद किसको मिलेगा, आपको। सुबह से लेकर के रात्रि तक भंडारे, प्रसाद की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता, ये सबको हमारे यहाँ पर जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे वो है महीने की तनख्वाह में हो, चाहे कैसे भी किसी भी प्रकार से हो, तो सबको बिल्कुल एक जैसा, और ये मुझे बड़ी संतुष्टि हुई है। मेरे काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भी ऐसा कोई नहीं था जिसके वस्त्र के ऊपर 1100 रुपया न रखे गए हों। ये मैं कोई आपको बताने के लिए नहीं, कुछ ऐसा आपसे मुझे प्रमाण पत्र नहीं लेना इस बात के लिए, मुझे ये मैंने तो उस बच्चे को पूछा कि और तेरे पास में कुछ इसमें है, थैला वेला में पड़े हैं क्या, इसमें कुछ हो तो देख ले भाई। मन खुश मन गदगद, और सत्य यही है जो मेरी टीम है काम करने वाले इन बच्चों की, इनको जितना भी दे दें वो कम है, ये कभी घड़ी नहीं देखते बिल्कुल भी कम नहीं। तो मैं जितनी कथा कहता हूँ, आज के समय में कौन संगीत वाले टिकेंगे, इनके पास कोई काम की कमी है क्या, लोग इनका इंतजार करते हैं, लेकिन ये हमारे सहयोगी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सहयोग में, चाहे मेरी टीम संस्कार की टीम हो, चाहे यूट्यूब की, चाहे मेरे हलवाई लोग, रात को 12-1 बजे तक लगे रहते हैं। और अब तो लोग मुझे कहने लगे हैं, कहते हैं महाराज जी जितनी मेहनत आपकी टीम करती है हमने तो इतनी मेहनत करते नहीं कोई देखा। इनके साथ मेरा व्यवहार जुड़ा है, और इन्हीं के द्वारा आज का जो अद्भुत ये आयोजन हुआ है इसमें मेरा मन बहुत खुश है। इसमें जो भी कपड़ा लत्ता दान दक्षिणा में जो भी कुछ गया वो सब आपकी तरफ से हुआ है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। क्या है मेरे पास तो कुछ नहीं है, कपड़ा लत्ता भी किसी ने दे दिया होगा वही पहने हूँ, क्योंकि पापा तो भेजते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बेटे को जरूरत है ही नहीं, तो पिता तो मेरे पास अपना क्या है, मैं तो कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। हकीकत यही है, मैं बनावटी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास में, मेरे खुद के पास में 1,000 रुपया भी नहीं है, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, सत्य यही है, मेरी बात का विश्वास कर ले। मेरी
ऐसी कोई कमाई नहीं है जिसमें मुझे ये लगे कि 1000 रुपया भी मेरे पास में हो। मैंने एक मशीन लगाई, कभी मैंने आपको बोला होगा, पत्तल दोना बनाने के लिए, वो भी टूट टाट गई, अहमदाबाद से आ रही थी रास्ते में ही टूट गई। हमने और मुकुंद ने एक दिन मीटिंग करी, हमने कहा देख ये दान पुण्य का सब पैसा है, थोड़ा बहुत तो साबुन सोडा के लिए 1500 रुपया 2000 रुपये का तो खर्चा ऐसे हो ही जाता है, कभी अपना भी मन करता है, कभी कुछ ये कर दें, कुछ ऐसा कर लिया जाए जिसमें संतुष्टि मिले कि ये मेहनत करके और इस पैसे के ऊपर हमारा अधिकार है। दोना पत्तल बनाने की मशीन, भगवान ने चाहा कि ये नहीं करने दूंगा तो उसने रास्ते में ही तोड़ताड़ दी, लेकिन मैं अपने हृदय की भावना बता रहा हूं और सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, अचंभा होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल एकदम सही है। मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रकृति का है, वो संग्रह के लिए नहीं है, वो बांटने के लिए, बस वो बट रहा है। आप इसमें सहयोगी बन रहे हैं, आप मानसिक संकल्प कर लीजिएगा, पूरा साल भर आप कमाएं, परमात्मा आपको इतना दे कि आपके पास में कोई कमी ना आवे। तो आज समापन है इस आयोजन का, तो गौ माता के लिए 1 सवा मणि, इससे ज़्यादा और भी जो भी आप घर में जितने लोग हैं उतनी सवा मणि, 1 सवा मणि का सिर्फ 1100 रुपया, पिछले साल भी हमने कराया था, पिछले साल तो आगे कथा हुई थी एक जगह पर, कालचक्र मैदान में परमिशन नहीं थी और मैं भगवान के आगे से एक फूल लेकर के और आपको संकल्प करा रहा हूँ। आप मानसिक संकल्प कर लें, हाँ पर मानसिक कर लें, ऐसे हाथ कर लें आप जिनको भगवान कृपा कर दे, 1100 रुपया खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं है। आज के भंडारे में तो जो आप जुड़े हैं वो तो मैंने संकल्प कराया ही है, और जो भी आप सेव करें वो रात को फल्गु के किनारे पर 8 बजे आचार्य श्याम शास्त्री जी कराएंगे। और अभी मैं एक दिव्य संकल्प, पति पत्नी पास में बैठे हैं तो एक नीचे हाथ लगा ले, पत्नी नीचे हाथ लगा ले, पति का हाथ ऊपर हो, और मैं कहूँगा ये गौ माता के लिए इतने बड़े अनुष्ठान में कहीं कोई श्राद्ध में चूक भी गए हैं तो ऐसी गैया मैया जिसमें सगरे देवता सगरे ऋषि आकर के विराजित होते हैं, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि यदि पड़ोसिन से भी लेना पड़े तो ये पितर अमावस्या को गौ माता की 1 सवा मणि के लिए भले आपने बीच में कर दिया है लेकिन आज की अमावस्या में इसमें आप चूकना मत। हमें 100 रुपया दे दो, कोई है नहीं यहाँ तो बांट मूट दी हमने, है 20 मिल गए बहुत है, ठीक है आचार्य जी संकल्प बोल दो नहीं तो कट जाएगा तब तक लाए दौड़ के आप, क्या 1 सिक्का दे दो, ला इनसे लूंगा मैं, लाओ ला माइक ले लो, सब कर ले वो जवाब से हो जाए, यहाँ ना हो, यदि यहाँ है तो बिल्कुल देर मत करना, जैसे ही कथा छूटे बाहर कार्यालय आप जो भी जमा करते हैं उसकी रसीद जरूर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ छांट होता है पैसे का कौन सी सेवा किसके लिए, यदि है 1100 रुपये की रसीद लेकर के और पैसा जमा करके, और जो नहीं है संकल्प ले लें घर जाके कर दें। मुझे TV पर सुन पा रहे हैं अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने घरों में हैं तो आप हाथ में जल ले लें, गाड़ी में चल रहे हैं मानसिक आप संकल्प कर लीजिए, यह पितृ अमावस्या का यह गौ माता का यह संकल्प सच मानिए जिंदगी में मंगल ही मंगल कर देगा, पुरखे नाचेंगे नृत्य करेंगे, आज हम जहाँ भी हैं सत्य यही है, इसमें गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। कोई मैंने ऐसे ही संकल्प थोड़े ही ले लिया कि जब तक 1,00,000 गौवंश नहीं होगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा अन्न नहीं खाऊंगा, मुझे पता है कि गौ माता इसको बिल्कुल पूरा कर देगी। आचार्य जी बोले आप आइए, सब पहले 3 बार बोलेंगे, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ओम विष्णु 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 श्रीमद् गौतमावृष्य। आप पूछ रहे लक्ष्मी कवर, आपने पूछा है किसका संकल्प हो रहा है, ये संकल्प हो रहा है गौ माता के लिए चोकर का, हमारे यहाँ बीमार गायें बहुत संख्या बढ़ रही है, पहले से गौशालाएं बहुत बड़ी बड़ी है तो चोकर गाड़ी की गाड़ियां आती हैं तो उसके लिए ये बोलिए। भगवान नारायण का स्मरण करेंगे और 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। जैसा कि आपको पूज्य महाराज ने भी बताया भी है और आप ये पावन संकल्प करने के लिए जा रहे हैं, देखिए किसी भी अनुष्ठान में कोई भी आप कृतकर्म करते हैं पूजा पाठ जो भी किसी न प्रकार की किसी न किसी प्रकार की न्यूनता रह जाती है, और इस देखिए वैसे तो पूज्य महाराज जी इतना और फूक फूक के पैर रखते हैं, हर चीज़ को स्वयं आकर संभालते हैं, लेकिन फिर भी अनेकानेक प्रकार के क्रमकांड की बातें होती हैं, तो आप यह उस प्राश्चित रूप में
और आप ये गौ माता के लिए संकल्प कर रहे हैं, तीन बार बोलेंगे श्री विष्णु। इतने बात का ध्यान रखना, प्रायश्चित संकल्प में ही हम ये करा दें और हर साल करा दें, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कमी रह जाए, गौ माता की कृपा से सब ठीक हो जाता है, पूरा हो जाता है। तीन बार बोले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भुतमहापुरुषस्य विष्णुराघवप्रधानस्य ब्राह्मणो हि दुदीवरार्धे श्रीशेद्वारकलिमुखमन्त्रेष्टाभिसद्धमे कलियुगे कल्पचण्डे जम्बूदीपे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर्ब्रह्मदेशे भारतदेशेन्द्रान्तर्गत श्रीमकदनां प्रदेशे गयानां जलपदे बौद्धगयानां मणि पुण्य पवित्र तीर्थस्थलेऽन्तरान्तर्गत बौद्ध देवालये स्थिते श्री देवालये सम्मुखे निकट सन्निकटे स्थिते श्री कालचक्रवेदान सुपरसरे श्रीमद्भागवत कथा पांडाल परिसरे मुख संबसरे नन्ना समय महानामासोत्तमे मासे शुभे मासे आश्विनमासे अमुक भक्जे शुभे कृष्ण भक्जे अद्य सर्वित्रि अमावस्या पन्मणि तिथु अमुक वासरे रविवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नानां यजमानानां सभी अपने अपने गोत्र का यजमान जी नाम और अपना नाम उच्चारण कर लें, किस स्थान से हो वो भी उच्चारण कर लें। यथा नाम गोत्रोत्पन्नानां यजमानानां अमुक स्थान निवासिनः कायिकवाचिकमानसिक सर्वपापक्षयार्थम् आदिदेविकाद्भौतिकाद्यद्रुभितापनाशनार्थम् श्री भगवान गदाधर कृपा कटाक्ष प्राप्त प्राप्ति अर्थम विचल खंड भक्ति प्राप्ति अर्थम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम सर्व व्याधि विनाशनार्थम जन्म कुंडल्यां स्थित पितृ इत्यादि दोष निवारणार्थम श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञेन अंतरांतरगत कायिक मानसिक वाचिक सर्व पाप क्षयार्थम प्राश्चित रूप संकल्पम हेतवे गौदान अथवा गौ निमित्ताय यथाशक्ति द्रव्यम च अहम संप्रददे अहम ददाम्यह। ओम जग्रत दूरमुदयतिदूरंगमंज्योतिखाज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप भगवान का ध्यान करते हुए किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा जो कर्म किया गया उसमें किसी प्रकार की न्यूनता रह गई हो, उस निमित्त हम ये गौ माता के लिए आप यह राशि चाहे चारे के लिए, चाहे गौदान के लिए, चाहे और किसी चोकर के लिए, और हम यह समर्पित करते हैं भगवान नारायण का, गौ माता का ध्यान करते हुए आप संकल्प छोड़ दीजिए। जो राशि रखी है उस राशि को जब आओ व्यासपीठ और तो व्यासपीठ पर अर्पित कर देना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गया जी धाम की जय हो। माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आपने पूछा है कि गुवाहाटी में कथा कल से या परसों से? कल हम माता कामाख्या के ही चरणों में दोनों समय का जो कार्यक्रम है सत्संग टीवी पर कथा 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक है, फिर 4 बजे से 7 बजे तक है। सत्संग टीवी पर ध्यान रखिए इस बात के लिए, 9:30 से 1 बजे तक और 4:30 बजे से लेकर के फिर 7 बजे तक सत्संग टीवी पर। और इतनी अद्भुत कथा है गुवाहाटी वाली माता के चरणों में, आप वहाँ ना पहुँच पाएँ तो घर बैठ करके उस कथा को आप जरूर सुनिएगा। और वहाँ पाठ के लिए पूरा 9 दिन के एक एक पाठ का सहयोग सिर्फ 3,500 रुपया है, और इस जगह का दुर्गा पाठ भी अपने आप में बड़ी महिमा युक्त है। तो आप रोज़ नहीं पूरा ना कर पाएँ तो एक दिन के पाठ का वहाँ सिर्फ सहयोग 500 रुपया है। वहाँ हवन रोजाना होगा, पाठ हवन ये पर डे का 1100 रुपये का सहयोग है, उसमें बेटियों का नित्य का आपके वहाँ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था रखी गई है। एक पाठ रोजाना, हवन और कन्या पूजन कन्या भोजन सबको मिला के एक दिन का सिर्फ 1,100 रुपया 1100 रुपये का सहयोग, और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप सब लोग इधर चल करके आ रहे हैं, संभव हो नहीं पाएगा, तो जैसे ही जब कथा एक बार आज आप सबको ऊपर आने का मौका मिलेगा, आज सब ही आना, भले ही 20 मिनट ज़्यादा लग जाए ऐसे टाइम पर मैं छोड़ूंगा कथा, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कथा के समापन पर व्यासपीठ तक ग्रंथ तक पहुंचना उसमें बताया भी गया है बोला भी गया है, तो आप बिल्कुल आ पाएंगे। एक बार जयकारा लगाइए बोलबा के बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। 2 बजे
सत्संग टीवी पर प्रोग्राम कटअप होता है तो तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। आइए दो पंक्तियां भगवान को समर्पित कर दें। हाँ माता जी, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, बैठे कथा सुनो। आइए ब्रज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भय जब तेरा नाम लिया। दो पंक्तियां गाते हुए आगे बढ़ हो। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हो जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के के सांवरिया, सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के पुकारी जब गिरिधर गोपाला, हो मेरा पुकारी जब गिरिधर गोपाला, ढल गया अमृत से बड़ा प्यारा, कौन उसे जिसे तू राखी पिया, सब दुख दूर हो जब तेरा नाम लिया। हो दूर हो जब तेरा नाम।
सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम बोली। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चैलखंडी नतान बद्मा भर्ति प्रादादुपायनम। एक फटे पुराने कपड़े में उन चावलों को बांधा गया। सुदामा के हाथ में सुशीला ने दिए। थोड़ा सुन लो, 10-20 मिनट की बात है, मुझे भी फ्लाइट पटना से पकड़नी है, मैं भी बड़ा जल्दी में। सोच के तो यह बैठा था कि 1 बजे तक कार्यक्रम को पूरा कर देंगे, लेकिन अपने सोचने से तो होता ही क्या है, लास्ट के दिन काम ही इतने होते हैं। आइए थोड़ा सा सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना टाइम दिया इस आयोजन के लिए। आज भी परिसर खचाखच भरा हुआ है। चैल खंडीन तानवद्वा, एक फटे पुराने से कपड़े में चावलों को बांध करके सुदामा के हाथ में दिया। सुदामा चल पड़े, गोमती नदी के किनारे जाकर सुदामा गिर पड़े। स्वयं भगवान नाविक का भेष बना करके आए, थोड़ा दिन नौका लगाई और भगवान कृष्ण बोले, बाबा तुम्हें पार तो नहीं जाना है। सुदामा की आंख में आंसू थे। सुदामा ने कहा, भैया जेब में कुछ है नहीं उतराई देने के लिए, आप पार उतारोगे नहीं। भगवान ने जो एक बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। ईश्वर ने कहा कि मैं धनवानों को पार नहीं, जिसकी जेब में भले ही पैसा ना हो लेकिन जिसकी जेब में धर्म का धन है उसको पार उतारने के लिए मैं खुदा।